अब वो घड़ी है जब इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया का ये एग्जिट पोल आपके सामने होगा और हम अब पहुंच रहे हैं बनारस में उस घाट पर दशाश्वमेध घाट में जहां से अब नेहा ओवर टू यू जल्दी से क्योंकि देखिए यहां पर एक एक फेज का हम आंकड़ा अपने दर्शकों के सामने रखने वाले हैं। शुरुआत कीजिए। बिल्कुल, और फेज वन के आंकड़े के साथ शुरुआत करेंगे अनिना, क्योंकि वोटिंग फीसदी तो हम बता ही चुके हैं, लेकिन दरअसल ये वो घड़ी आ चुकी है उत्तर प्रदेश के एग्जिट पोल की जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। दरअसल पांच राज्यों पर तो फोकस करे हुए हैं, लेकिन इस बीच वक्त वो आ गया है जब उत्तर प्रदेश, जो कि सबसे बड़ा राज्य है, जहां पर 403 सीटों पर किस्मत अलग अलग लोग आजमा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कुछ आंकड़े कैसे बीजेपी के पक्ष में 49% वोट डाले गए। समाजवादी पार्टी, जो कि अपने आप को सबसे ज्यादा यहां पर शक्तिशाली बता रही थी, 34% वोट उनके हाथ में डाले गए। तो एक तरीके से बीजेपी वर्सेज समाजवादी पार्टी का ही गेम उत्तर प्रदेश में चल रहा था। बाकी पार्टियां भी उतरी थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये स्टेट जो है दो ही पार्टियों के इर्द गिर्द बटकर आ गया था। पहला चरण किसको कितने वोट हासिल हुए ये हम आपको दिखा रहे हैं। 12% वोट दरअसल यहां पर बीएसपी को हासिल हुए। ये वो पार्टी जिन्होंने हाथी के साथ ये कहा कि जी हां हम भी हैं मैदान में, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिए वोट परसेंटेज से ये जाहिर हो रहा है कि बहुत पीछे रह गई बीएसपी। और अगर यही तस्वीर सामने आती है 10 तारीख को, तो ये वाकई साबित होगा कि कहीं ना कहीं यहां पर सिर्फ बीजेपी वर्सेज समाजवादी पार्टी की लड़ाई रही, बाकी सब पार्टी इस वक्त पीछे दिखाई दे रही है वोट फीसदी के लिहाज से। बिल्कुल, और नेहा सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस फेज के आप आंकड़े इस वक्त दिखा रही हैं, वो फेज तो ऐसा था जब किसान आंदोलन चरम पर था और इसी के साथ पूरे देश में एक तरह से किसान आंदोलन के मुद्दे पर बीजेपी की सरकार को घेरा जा रहा था, लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अगर ये नतीजे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, 49% बड़ी मेजोरिटी से कहा जा सकता है। सीटों का आंकड़ा आप जल्दी से दिखा दीजिए नेहा बाथम, क्योंकि 49% मतलब लगभग आधा फीसदी वोट मिलना, और समाजवादी पार्टी 34 पर अगर अटकती है तो ये फासला बहुत ज्यादा है, क्योंकि बीजेपी की खुद की धड़कनें बड़ी तेज थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो हम डूब जाएंगे। बिल्कुल, धड़कनें इसलिए भी तेज थी क्योंकि वहां पर जयंत चौधरी से हाथ मिला लिया था अखिलेश यादव ने, कहा था कि जाट बहुल क्षेत्र है, जाहिर तौर पर फेवर मिलेगा वहां पर समाजवादी पार्टी को जिस तरीके से उन्होंने गठबंधन किया यहां पर आरएलडी के साथ। और क्योंकि 58 सीटों का ये मामला जहां पर ज्यादातर वोट जाटों के पड़े और किसान प्रमुख तौर पर उस आंदोलन से जुड़े, और ये कहा गया कि शामली, आगरा, मथुरा, ये तमाम 11 डिस्ट्रिक्ट शामिल थी इस 58 सीटों में, उन सभी पर किसानों का अच्छा खासा प्रभाव रहने वाला है।